So in this video, I'm going to tell you things I wish I knew in my teens because I regret and I don't want you to regret. So keep on watching till the end. Hi guys, welcome all. Welcome back to my channel. This is me, Apurva, and I hope you're doing great. So आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो मुझे लगता है हमें टीनेज में पता होनी चाहिए क्योंकि मैं रिग्रेट करती हूँ और मैं नहीं चाहती आप भी रिग्रेट करो. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अदर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब करो एंड चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग टू बिल्ड आ स्किन केयर रूटीन. अभी आपको पता है मुझे स्किन केयर कितना पसंद है, पर फिर भी टीनेज के टाइम पे मैं उतनी अवेयर नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी. पर टीनेज के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड आ स्किन केयर रूटीन. एंड बिल्कुल भी आपको एक्सपेंसिव स्किन केयर सीरम्स के पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल बेसिक रखना है स्किन केयर को, क्योंकि इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स और ऐसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है. बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन टोनर भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग. और इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि आप अपने स्किन टाइप को कैसे समझ सकते हो तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना लूंगी. एंड बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लो, कंसिस्टेंट रहो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो वंस इन अ वाइल मंथली या फेस पैक्स भी लगा सकते हो, और वो भी आई प्रेफर कि घर के इंग्रीडियंट से लगाओ क्योंकि वो ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, केमिकल फ्री होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर. सेकेंड टिप इज़ टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली एंड गेट 7 to 8 hours स्लीप. मतलब ये चीज़ तो मैं सोचती हूँ भगवान काश मैंने ये हैबिट ना जल्दी बना ली होती, क्योंकि उस टाइम पे इजी होता है हैबिट डेवलप करना. अभी तो मेरा इतना स्केड्यूल सब बिगड़ चुका है ना कि मैं रिग्रेट करती हूँ, भगवान काश मेरी तब आदत पड़ गई होती तो अभी थोड़ा ईजी हो गया होता मेरे लिए. लेकिन यू नो वॉट, ये एक हैबिट है जो अगर आपने अभी डेवलप कर ली ना, आप पूरे लाइफ ऐसे अपने आप को थैंक यू बोलोगे. अगर आप जल्दी सो रहे हो, जल्दी उठ रहे हो और प्रॉपर 7 to 8 hours की स्लीप ले रहे हो ना, आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे. मतलब सब कुछ अच्छा कर देगा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. तो मेक श्योर इस टाइम पे ये हैबिट डाल लो, मेरी बात मानो. आगे तक मत सोचना कि अरे ठीक है आगे देखेंगे उठेंगे, लेकिन नहीं, अभी ये हैबिट डाल लो कि आगे मेरी तरह रिग्रेट करोगे, आफत आएगी सुबह उठने. तो अभी से ट्राई करो कि आप जल्दी सो, जल्दी उठो और प्रॉपर स्लीप लो. थर्ड पॉइंट इज़ टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. मतलब दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ. मतलब आपका सेल्फ एस्टीम कम होने लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा. एंड द मेन थिंग, हम ना जब दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उनको कॉपी करने लगते हैं, और फिर मुझे लगता है आप खुद को एज अ इंडिविजुअल ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम ऐसे उनको कॉपी करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, हम ऐसे करने की कोशिश करें. एंड शायद आपके अंदर और भी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, और उनके बजाय हम उसपे ध्यान देते हैं. उसके चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है, वो इतना अच्छा कर रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं. तो रादर देन दूसरों को देखने के बजाय खुद पे काम करो. हर इंडिविजुअल खुद में अलग है, सबके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, बस अपने आप पे काम करो. सो प्लीज डोंट कंपेयर. फोर्थ पॉइंट इज टू लर्न अ स्किल. अभी ये टाइम ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है आपको पढ़ाई के साथ साथ ना स्किल्स सीखने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे आप करियर में और इतनी सारी चीज़ों में उलझ जाते हो ना कि स्किल्स और नई चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है, जो मैं समझती हूँ. जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट हो, वेदर इज डांसिंग, कोई स्पोर्ट्स है, गिटार सीखना है, कुकिंग सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी करना है, मेक टाइम और सीखो यार. इसमें मज़ा भी आएगी आपको, और आगे चल के आप कहोगे अच्छा वो मैंने सीख लिया, अभी मुझे आता है. क्योंकि मैं भी अपने टीनेज के टाइम पे ना डांस क्लासेस जाती थी और मुझे बड़ा मजा भी आता था. तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जो भी टाइम आप निकाल पा रहे हो, लर्न अ स्किल. नेक्स्ट पॉइंट इज गुड फ्रेंड्स ओवर मोर फ्रेंड्स. मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे टीनेज के टाइम में किसी ने मुझे ऐसे कस के मार के बताया हो कि सब आपके दोस्त, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड. क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार सभी तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सब पे ट्रस्ट कर लेती और मुझे वो बिट्रे करते थे और मैं रोती थी बैठ के. तो ये गलती नहीं करनी. और जिन लोगों को आप समझते हो कि ये लॉयल हैं, ये आपको बिट्रे नहीं करेंगे, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, उनको चूज करो. सबको दोस्त मानने की जरूरत नहीं है. मतलब ऐसा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी से बोलो नहीं, किसी को फ्रेंड नहीं बनाओ, बिल्कुल नहीं. पर ट्रस्ट मत करना इजिली, और पॉजिटिव लोगों को चूज करो. जहाँ आप देख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, दूर रहो प्लीज. अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में आपको खुद सोचना है, तो कुछ लोगों को चूज करो जो अच्छे हों, लॉयल हों और आपके साथ रहने के लायक हों, से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हो और आप अपने आप को ना रियल रख पाते हो. उनके साथ रहो. मैं बहुत ऐसे ब्रूटल साउंड कर रही हूँ, पर ये रियलिटी है और मैंने अब जाके सीखी है, तो आप अभी से ध्यान दो इस चीज़ पे. नेक्स्ट पॉइंट इज टू ओवरकम शायनेस एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस ना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो ना, तो आप हर चीज़ में अच्छा कर पाओगे. एंड उसके लिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, वेदर इट इज डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट, स्पीच, कुछ भी हो रहा है, सब चीज़ों में पार्ट लो. ऑनेस्टली कोने में बैठ के आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे. मुझे याद है मैं अपने स्कूल में हर चीज़ में पार्ट लेती थी, मतलब आई वॉज प्रिटी गुड एट इट. एंड मुझे
सच में रियलाइज हुआ कि उन चीज़ों की वजह से मैं कितना ज़्यादा धीमे धीमे कॉन्फिडेंट होती गई, वो अब मुझे लाइफ में बहुत हेल्प करता है एंड आगे भी करेगा। तो लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उसकी शुरुआत स्कूल कॉलेज से ही होती है, क्योंकि घर में तो हम सब बोल लेते हैं, घर में हम सब कन्वे कर लेते, स्कूल कॉलेज में जहाँ इतने सारे लोग होते हैं या बाहर हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप हर चीज़ में पार्ट लो, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टार्ट जर्नलिंग एंड मेकिंग टू डू लिस्ट। अभी ये ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, मैंने तो टीनेज टाइम पे नहीं करी और अब मैं अभी मैंने कुछ सालों में शुरू करी है एंड आई विश मैं पहले से कर रही होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आप बहुत कुछ फील कर रहे हो और आप किसी को बता नहीं सकते। दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट इट डाउन एवरीथिंग एंड उसके बाद आप बहुत ज़्यादा काम फील करते हो, उससे आप अच्छे से फंक्शन भी कर पाओगे। तो जर्नलिंग इज़ वेरी गुड। मेकिंग टू डू लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देता है, आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। आप मॉर्निंग में उठो, लिस्ट में सब कुछ लिख लो कि मुझे आज ये करना है, फिर पूरा दिन आप थोड़ा सा सॉर्टेड रहते हो कि अभी मुझे ये करना है ये करना ये करना है, उससे आपके सारे काम भी हो जाते हैं एंड एंड में जब आप उनको टिक करते हो ना तो बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बिल्ड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आई मीन सफिशिएंट वाटर। सो अभी से अगर आपने सफिशिएंट पानी पीने की आदत डाल लेना, यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर, क्योंकि आपको पता है मुझे स्किन केयर करना ये सब करना बहुत पसंद है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी पीना है, क्योंकि आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपका गट हेल्दी रहेगा, आप अंदर से पूरा हेल्दी रहोगे सिर्फ पानी पीने से। तो स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, और बस इतना ही कहना था इस पॉइंट में मुझे। सो द नेक्स्ट वन इज इट्स ओके टू से नो। अभी मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊँ, मुझे ना किसी को मना करने में, किसी को नो बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ सामने वाले को बुरा लग जाएगा या शायद कोई ज़रूरी चीज़ है, आप पता नहीं क्या सोचेंगे। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप नहीं टाइम दे सकते, अगर आप मना नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभी ना अपने बारे में सोचना सेल्फिश नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मैं कभी भी नो नहीं बोल पाती थी और फिर मैं बाद में रिग्रेट करती थी कि यार मुझे नहीं जाना था या मुझे नहीं करना था। सो इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो नो बोलो, लर्न टू से नो, क्योंकि ये चीज मैं अब जाके सीख रही हूँ, मैंने बहुत सफर किया इस वजह से, क्योंकि मुझसे नो नहीं बोला जाता किसी को। एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं कर सकते कोई चीज़ या नहीं जा सकते, जो भी है आप नो बोल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी जैसे मुझे लगता था। नो बोल दो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अपने बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हैव फन एंड डोंट बी इन अ हरी टू ग्रो अप, मतलब ये टाइम ना जी लो, क्योंकि अभी मुझसे भी पूछता है ना कि आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम क्या था, वो था स्कूल टाइम, मतलब मैंने इतना एंजॉय किया है एंड वो एक बार चला जाता है ना स्कूल कॉलेज का टाइम, वो कभी वापस नहीं आता। तो बिल्कुल ऐसे टेंशन मत लो फ्यूचर की, मस्त इंजॉय करो, पढ़ाई भी करो एंड इस चीज़ में मत रहो कि हम जल्दी से बड़े हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे जॉब करेंगे फलाना, नहीं, ये टाइम ना बेस्ट टाइम है, इसको जियो, ये लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगा। तो हैव फन एंड इंजॉय। सो गाइज ये था वीडियो, मैंने इस बार सोचा हम बातें शाते करते हैं बैठ के, मुझे कौन सा बताना है इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा, मैं आगे बनाऊँ, और अगर अच्छा लगा तो और कैसे वीडियो चाहिए आपको, मैं ट्राई करूंगी उन पर वीडियो बना पाऊँ। एंड या गाइज लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्यों नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो। एंड या कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, ओके बाय।